नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं निक्स 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जी हां, आपको बताएं, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, भारतीय जनता पार्टी और मायावती की पार्टी इस बार के उपचुनाव में काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उससे माना यह जा रहा है कि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में जा सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। उसके साथ ही अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद रावण की, चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से दलितों की राजनीति कर चुके हैं, नगीना सीट पर जिस तरीके से उनको भारी भरकम जीत देखने को मिली, 1,52,000 वोट उनको मिलते हैं, इससे माना ही जा रहा है कि अब आजाद इसीलिए सभी सीटों पर अपने पैर पसारने की तैयारी में है, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा है कि वो 1 से 2 सीटें तो जरूर 10 की 10 सीटों में निकाल ले जाएंगे। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दलित वोट बैंक को तो साधने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद का जो निशाना है वो कहीं ना कहीं दलित चेहरों के बाद मुस्लिम चेहरों पर है। जी आपको बताएं, अब आजम खान और दानिश अली को जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट मिल रहा है उससे यह माना जा रहा है कि अब मुस्लिम चेहरों को साध कर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो गेम प्लान है वो बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं आजम खान और दानिश अली को साधने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयास करते हुए नजर आए, क्योंकि बीच में इन दोनों के रिश्ते, इन दोनों नेताओं से रिश्ते कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बिगड़ते हुए नजर आया। हालांकि अगर दानिश अली की बात करें तो बीएसपी के नेता हैं, पर उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी का रुख कर लिया। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार इनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए भी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। इससे ये साबित होता है कि चंद्रशेखर आजाद जो 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं उसमें से 1-2 सीट पर इन बड़े नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं अखिलेश यादव ने नगीना सीट पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण को दरकिनार किया था उससे यह माना जा सकता है कि अब ये समीकरण कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के अगर ये समीकरण बदलते हैं तो पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक आजाद की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा और अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। वहीं अखिलेश यादव लगातार इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले मायावती को लेकर उनके लिए एक सॉफ्ट रुख देखने को मिला, चंद्रशेखर आजाद रावण को भी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर साधते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक का पीछा छोड़ दे। लेकिन क्या इतना आसान होगा मायावती को साथ पाना? पहले मायावती की तारीफ करते हैं, राजेश चौधरी जिस तरीके से मायावती के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, उससे ये लगता है कि मायावती के साथ अखिलेश यादव गठबंधन बनाने के फिर से प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब आकाश आनंद जिस तरीके से मायावती की पार्टी को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, कहीं ना कहीं अब मायावती को इतनी आसानी से जीत पाना अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल की बात होगी। और यही कारण है कि अखिलेश यादव मायावती को अलग अलग मुद्दों पर समर्थन देकर उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह समीकरण वाकई में बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से अभी किरकिरी चल रही है, लाल टोपी को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान जो है अखिलेश यादव को लेकर वायरल हो रहा है, तो अखिलेश यादव भी उसमें पीछे नहीं है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। पहले आप उनके वीडियो देखिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव। अस्पतालों की हालत क्या है आज? अस्पतालों की हालत क्या है? देखने तो कैमरे में जो अस्पताल बनाए गए थे समाजवादी सरकार में वो भी अस्पताल नहीं चला पा रहे, स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई, खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं, और जो महंगाई बढ़ गई है इन्हें लाल रंग याद आ रहा है लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको, जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल है जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। और ये कन्नौज के लोग क्यों भूल जाते हो? इसी जिले में एक बेटी को बताओ
पिता क्या चाहता था इसी जिले में, क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी, कोई चर्चा कर रहा उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो दो लोगों की जान गई कि हत्या की गई कि आत्महत्या कर ली, सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। और यहाँ पर इसी जिले में क्या बेटी को एक फांसी पर नहीं लटका दिया गया, उसके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं उससे, जांच से? और केवल यही नहीं, दो जिले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर, छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनके साथ घटनाएं हो रही है। सरकार क्या कर रही है आखिरकार? सरकार इसीलिए जानबूझ करके इधर उधर वाली बात कर रही है क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित हमारी माताएं बहनें रहें। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चैन स्नैचिंग नहीं हो रही हो, सीसीटीवी में हम लोग देख रहे हैं, लगातार वो घटनाएं मिल रही है, सूचनाएं मिल रही है। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे व्यापारी हैं उनके यहाँ लूट हो रही, सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की लूट, सरकार के सो रही दिन दहाड़े लूट हो गए, सीसीटीवी में कैद है, हर कैमरे पे चल रहा है, हर न्यूज चैनल पे चल रहा है। और उसके बाद ऐसे नहीं घटना और न हुई उत्तर प्रदेश में, और जीवन से भी खबरें आ रही है कि जहाँ पर घटना इस तरह की लूट की हुई है, तो सरकार क्या सो रही है, क्या कर रही है? हिमाचल प्रदेश अयोध्या में सर्किट रेट पूर्व विधायक कल्याण सिंह के माता जी का स्वर्गवास हो गया था, आज उनके परिवार में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने आया था इस दुख की घड़ी में, और जो कार्यक्रम पर संपन्न हो रहा है उस कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। ये कन्नौज क्षेत्र और इनका गांव और आसपास का क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है, राजनीति की जब शुरुआत हुई थी इसी क्षेत्र के लोगों से मिलकर के, और इसी क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। ये कहाँ चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी, और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। देखिए कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा, ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते, और देखो हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग, और जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम, हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है, हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है।
तो देखा हमने किस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। वैसे में उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को समझा जाए तो उसी तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती या भारतीय जनता पार्टी, किसकी जीत होगी यह तो देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। इस बार के उपचुनाव जो है मिल्कीपुर कटहरी सीट, दो सीटें ऐसी हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं। अखिलेश यादव भी अपना पूरा दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अयोध्या सीट पर जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। और चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से सबका खेल बिगाड़ने में लगे हैं, ऐसे में सभी पार्टियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार कौन सी पार्टी अपना परचम लहराते हुए नजर आएगी। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करके अखिलेश यादव का गेम बिगाड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी का? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।